जनता ने मन बना लिया है कि दलालों दमादों का जलवा जलाल वापस नहीं लाएंगे। क्या कांग्रेस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो? और ड्रग्स मुक्त होगा कैसे जब डीलिंग में कांग्रेस के नेता लगे होंगे ड्रग्स के? चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ हाथ मिला सकते हैं, चाहे वो ड्रग्स के दलाल हों, डीलर हों, या फिर बड़े बड़े माफिया के लोग हों। यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे जिन्होंने आपकी जमीन हड़पी थी 2 रुपये में, जिन्होंने बड़े बड़े सेठों को आपकी जमीन दी 2 करोड़ रुपए में, लेकिन आपको दिए 2 रुपये। कांग्रेस तो रसमलाई खाने आती, मलाई खाने आती है और अपनी कमाई करने आती है, जनता की भलाई करने कांग्रेस कभी नहीं आती। जनता का रिस्पॉन्स बहुत शानदार है, जनता ने मन बना लिया है कि दलालों दमादों का जलवा जलाल वापस नहीं लाएंगे। दलितों पर अत्याचार की जो प्रयोगशाला कांग्रेस हरियाणा को बनाना चाहती है, ऐसी कांग्रेस को नहीं लाएंगे और जमीनें हड़पने वाली कांग्रेस को नहीं लाएंगे। तीसरी बार कमल का बटन दबाकर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अनुराग जी क्या कहेंगे, राहुल गांधी ही बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से हरियाणा में? मेरा एक सवाल राहुल गांधी जी और खड़गे जी और विशेष तौर पर भूपेंद्र हुड्डा जी से, ये जो आप लेटर देखेंगे तो तुषार गोयल हैं चेयरमैन आरटीआई डिपार्टमेंट दिल्ली यूथ कांग्रेस के, इनका हुड्डा परिवार से क्या रिश्ता है? और 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, क्या राहुल गांधी जी की कांग्रेस में जब दलाल दमाद का जलवा जलाल कम पड़ गया तो अब ड्रग्स की भी डीलिंग शुरू कर दी है? दलितों पर अत्याचार हो, किसानों की जमीनें लूटने की बात हो, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज 5,000 करोड़ के ड्रग्स के रैकेट में तुषार गोयल का नाम आता है, तो मेरा सवाल है, मैं अपनी जानकारी के लिए और देश के लिए पूछना चाहता हूं, तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या हैं? भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार ड्रग्स जब पकड़ी जाती है तो उसका विरोध करती है, उसके खिलाफ नैरेटिव को बिगाड़ने का कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करती है? अगर पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाए तो कांग्रेस चिंता में आ जाती है, अगर असम के मुख्यमंत्री ड्रग्स के ऊपर बुलडोजर चलाएं तो इनको चिंता हो जाती है। क्या कांग्रेस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो? और ड्रग्स मुक्त होगा कैसे जब डीलिंग में कांग्रेस के नेता लगे होंगे ड्रग्स के? तो स्पष्ट दिखता है कि चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ हाथ मिला सकते हैं, चाहे वो ड्रग्स के दलाल हों, डीलर हों, या फिर बड़े बड़े माफिया के लोग हों। राहुल गांधी जी और खड़गे जी एक इस बात का जवाब दें, और दूसरा, जो कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की, क्या 12 किसानों के घरों में भी राहुल गांधी और खड़गे जी गए और क्या मुआवजा उनको दिया? सर, हुड्डा जी बोलते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो जो समूह बोल रहा है उसको हम खोल देंगे, तो किस तरह से देखते हैं उसके बयान को? तो मेरा सीधा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी घुट्टी उनके पास है? लोकसभा चुनाव खत्म हुए, सब खत्म हुआ था, हरियाणा के चुनाव आए फिर शुरू हुआ। मेरा इतना ही कहना है, किसानों के हित में अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे, मैं किसानों को याद करवाना चाहता हूँ, यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे जिन्होंने आपकी जमीन हड़पी थी 2 रुपये में, जिन्होंने बड़े बड़े सेठों को आपकी जमीन दी 2 करोड़ रुपए में, लेकिन आपको दिए 2 रुपये। ये वही भूपेंद्र हुड्डा जी हैं जिन्होंने कमेटी के चेयरमैन थे MSP को कानूनी रूप देने के लिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए। हुड्डा जी ने उन 8 सालों में क्यों नहीं लागू करवाई? अब क्या कौन सा तीर उनके पास आ गया है भाई? सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस की जब सरकारें थी तब इन्होंने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार ने 3 गुना ज़्यादा खर्चा किया है MSP खरीद करने पर, और अब 24 की जो भी फसलों को हम खरीदेंगे, 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, 10,000 रुपया किसान को देंगे और किसान को समृद्ध संपन्न करने का काम हम जो कर रहे हैं आगे जारी रखेंगे। नशा मुक्त हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और हरियाणा में कांग्रेस के लोग उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो ड्रग्स डीलर हैं,
ये तुषार गोयल कांग्रेस के ही आरटीआई कमेटी का चेयरमैन है डिपार्टमेंट का, दीपेंद्र हुड्डा जी के इनके साथ क्या संबंध है? हरियाणा के लोगों को बताएं, फिर जाके कहें कि हरियाणा को नशा मुक्त करेंगे अगर ऐसे डीलर जो ड्रग्स बेचते हों उनके साथ इनके संबंध हैं, तो आप समझ लीजिए हरियाणा में नशा कहां से आता है आज हरियाणा वासियों को पता चल गया। हिमाचल में कांग्रेस अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, क्या देखते हैं? कांग्रेस हिमाचल में वायदा इसलिए पूरे नहीं कर पाई कि कांग्रेस ने कभी वायदे पूरे करने की इच्छा ही नहीं जताई। कांग्रेस तो रसमलाई खाने आती, मलाई खाने आती है और अपनी कमाई करने आती है, जनता की भलाई करने कांग्रेस कभी नहीं आती। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और अगले 5 साल में जैसे हमने चहुमुखी विकास पहले करवाया आगे कराएंगे, हुड्डा जी की तरह एक जिले तक सरकार को सीमित करके नहीं रखेंगे।